हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने कान्हा जी का 0 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक 1 नंबर के कान्हा जी का है, जो कि देखिए इस तरह से हम कपड़े से बनाए हैं। ये सामने की ओर से खुला है, जिसमें आपको पहनाने में आसानी हो, और ये हम चोली की जगह पर लेस से बना हुआ ही चोली डाले हैं, और यहाँ पर हम मोती डाले हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये 1 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। हमें 0 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाना है। तो 0 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाने के लिए हम देखिए इस तरह से ये पोशाक है हमारा, ठीक है। तो ये पोशाक की हम नाप ले लेंगे। ये पोशाक को हम इस तरह से रख कर नाप लेंगे। आपके पास एक तरीका ये है नापने का, ठीक है। और दूसरा तरीका है, देखिए ये 1 से लेकर 4.5 तक, यहाँ तक आता है 4.5। 1 से लेकर 4.5 तक की हम काट लिए हैं पेपर। ये हम काटे हैं, बुकरम काटे हुए हैं, इसी से हम पोशाक बनाएंगे। 1 से लेकर 4.5 इंच तक हम इसकी दोनों तरफ से लंबाई और चौड़ाई काट लेंगे, ठीक है। काटने के बाद फिर हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। ये मोड़ने के बाद इसकी हम इस तरह से गोलाई काटेंगे। हम धीरे धीरे गोलाई काटेंगे ताकि हमारा बड़ा छोटा ना हो, ठीक है। अगर आपको शक लगता है या लगता है पता नहीं अच्छा कटे या ना कटे, तो आप इस तरह से भी नाप ले सकती हैं। आप देखिए ये बराबर हो गया। आप यहाँ से इस तरह एक बार आप कट कर ले, ठीक है। इसके बाद अब ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब आप इसे इस तरह से मिला सकती हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ पर इस जगह पर हमें ज़्यादा नहीं काटना है, मात्र हमें आधा इंच की दूरी पर इसे हमें गोलाई को काटना है, क्योंकि हमारे कान्हा जी काफ़ी छोटे हैं। इसे हम इतनी दूरी पर काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पोशाक का कट गया, थोड़ा सा हल्का सा और गोल होगा। अब हम इसकी ये चीज़ भी यहाँ से यहाँ तक हम इसे काट लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ खुला रखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो आप बड़ा कर सकती हो, क्योंकि इसमें सिलाई करने के बाद थोड़ा सा जगह कम हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा और बड़ा कर सकती हैं, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा ना लें। अगर आप नाप के लेंगी तो 1/2 इंच रहेगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद में अब हम ये छोटा छोटा पीस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम छोटा छोटा पीस कर लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आपको बता दें। इसकी लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई भी 2.5 इंच, यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी आप 2.5 इंच रख लें, ठीक है। इसके बाद हमें सुई धागा की मदद लेनी है। इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे, एक पर एक हम इस तरह से इसे डालेंगे। देखिए एक पर एक डाल दिए। अब हम इस जगह पर यहाँ इसे हम उंगली से दबा लिए हैं। अब ठीक इसके बीचों बीच में यहाँ पर हम सुई डालकर, और ये हल्का देखिए ये इस तरह का स्टिच हम देते हुए, और ठीक दूसरे छोर पर बीचों बीच में हम निकालेंगे।
इस तरह से निकाल लिए। अब हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर यहाँ हमें गांठ लगा देना है। इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। हमें ये कितना पीस बनाना है, अब हमें देखना है कि इसमें हमें कितना पीस लगता है। इसमें हमें लगा है, मैं गिन कर बताती हूँ, इसमें हमें 16 पीस लगा है। ठीक है, ये 16 पीस से बना है और ये बड़ा है, ये जो बनाए हैं इसकी हम कटिंग बड़े किए हुए हैं और ये हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि हमें छोटे कान्हा जी का बनाना है। ठीक है, हमें बड़े कान्हा जी का नहीं बनाना है, यानी हमें ये एक एक नंबर के कान्हा जी का और हमें बनाना है 0 नंबर के कान्हा जी का। इसलिए हम इसमें ये चीज़ जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो काटे हुए हैं ये हम कम काटे हुए हैं बनिस्बत इसके। ठीक है, तो इस तरह से हम बना करके रख लेंगे। आप देखिए कितने पीस आपको बनानी है। आप लगभग 15 पीस बना लें, ऐसे इसमें लगेगा 12 पीस। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बना के रख लेते हैं। इस तरह से बनाकर हम रख चुके हैं, अब हम इसे इसमें लगाएंगे। इसमें अगर आप चाहती हैं तो इसी कलर से कोई कपड़ा यहाँ पर आप लेके डालकर सिल सकती हैं चारों किनारे से, और अगर आप नहीं भी सिलेंगी तो भी ये ठीक लगेगा क्योंकि वाइट है। हम इसे इस जगह से सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से अगर आप मशीन चला लेंगी तो और अच्छा रहेगा। या तो फिर इसमें हल्के हल्के हाथों से भी आप इस तरह से सिल लें और पूरा जब कंप्लीट हो जाए ये सिल कर, उसके बाद भी आप मशीन चला सकती हैं। देखिए इसे किस तरह से करना है, ये इस तरह है, इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद अब इस तरह यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह के, देखिए। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि बुकरम बड़ा हो रहा है या लगेगा कि ये चीज़ आपका छोटा हो गया तो आप इसे दो पीस में भी डाल सकती हैं, जैसे कि एक पीस यहाँ और एक पीस यहाँ, इस तरह से भी आप डाल सकती हैं दो डबल करके। तो इसे हम सबसे पहले सिंगल करते हैं, देखेंगे अगर लगेगा कि डबल देना चाहिए तो हम डबल देंगे। ठीक है, या तो अगर आप सिंगल देना चाहती हैं तो ये जो मैं 2.25 इंच रखी थी इसकी चौड़ाई और लंबाई, उसे आप 3 इंच कर लें तो ये परफेक्ट रहेगा एक में। इस तरह से सिलते हुए आप पूरी गुलाई को कंप्लीट कर लें। ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ जगह खाली है तो हम यहाँ पर इसे डबल में देंगे, देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पर, और फिर हम सिलते चले जाएंगे। फिर इसे ऊपर की ओर इस तरह से हम उठाएंगे और फिर एक फिर हम लगा लेंगे इस तरह से। अगर आप दूरी बनाना चाहती हैं तो दूरी बनाकर लगा सकती हैं, अगर चाहती हैं करीब करीब लगाना तो करीब में भी आप लगा सकती हैं। अगर आप करीब में इस तरह लगाएंगी, देखिए इस तरह, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अब इस तरह से इसे यहाँ पर आप लगा लें। देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जब आप लगा लेंगी चारों किनारे कंप्लीट कर लेंगी तो फिर ये लेस जो कि हम ये काट के रखे हुए हैं, ये है आपको 2 इंच का है, 2 इंच लंबा है, इस तरह से 2 इंच लंबा है, ये 2 पीस में हम काटे हुए हैं। और सीधा उल्टा देखते हुए हम इसे यहाँ पर ठीक इसके किनारे से यहाँ पर हम सिल दिए हैं। अब यहाँ पर सिलने के बाद में इसे हम बिल्कुल इस तरह से बांट लेंगे। यहाँ बीचों बीच यहाँ आता है तो हम इस जगह से ये चीज़ को लगाना शुरू करेंगे। इसका जो दूसरा छोर है उसे हम लगाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से सिलना शुरू कर देंगे हम, यहाँ इस तरह से यहाँ, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें बाद में मशीन से सिलाई कर दूंगी, आप लोग भी मशीन का सिलाई इसमें दे दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से जैसा कि हम एक बनाए हैं, एक बनाकर इसे रखे हुए हैं, उसी तरह आप दूसरा भी लगा लें। ये जो दूसरा पीस हम काटे हुए हैं इसे भी सीधा उल्टा देखते हुए यहाँ इस तरह सिल लें और सिलने के बाद में ठीक इसे यहाँ पर इस तरह सिल लें तो ये चीज़ आपका इस तरह से सिलने के बाद कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। दोनों सिलकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें इस पोशाक में देखिए हम इस पोशाक में बीच में ये मोती डाले हुए हैं, खूबसूरती के लिए भी डाले हुए हैं और प्लस इसलिए डाले हैं कि ये जो कंधे पर ये चीज़ आएगा कंधे पर तो यहाँ कुछ पतला हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ठीक इसे हम इस तरह से बीचों बीच में ले आएंगे और यहाँ से इसे डालते हुए हम इस तरह से हल्का हल्का सिलाई दे देंगे। चून बैठाने के लिए इसे हम टाइट कर देंगे, इस तरह टाइट हो गया। अब इसमें चूंकि ये ब्लू कलर है इसलिए इसमें वाइट कलर का मोती अच्छा लगेगा तो फिर ये मोती में हम डालेंगे। इस तरह से इसे टाइट कर लिए। अब पीछे की ओर इसे घुमाकर हम गांठ लगा देंगे और धागा को कट कर लेंगे। देखिए अब आपका जब ये आप दूसरा भी ये चोली का दूसरा जो यहाँ है ये चीज़ भी आप जब इसमें सिल लेंगी इस तरह से और इसे सिलने के बाद में फिर आप ये चीज़ जो ये हम साइड में दिए हुए हैं किनारे में ये एक बार और हम डाल लेते हैं, ये चीज़ जब डाल लेंगी तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये तैयार हो गया आपका 0 नंबर के कान्हा जी का पोशाक और वो है 1 नंबर के कान्हा जी का पोशाक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।